तनख्वाह मिलती है काबिल लड़के को या नौकरी पे क्या करती? 10 साल उड्डागा राज रहा मनमोहन की सरकार रही या नौकरी बिक्री थी हरियाणा में? और रही बात रोड, देखो नारनौल से पहुंच जाओ चंडीगढ़ पहुंचो, कहीं पहुंचो मेरठ पहुंचो, इतने हाईवे निकाल दिए सरकार ने, मोदी जी ने। मोदी जी का कोई मुकाबला है? वर्ल्ड का पहला लीडर है। मोदी का जलवा नहीं चलने वाला हरियाणा, मोदी का ही जलवा चलेगा। मोदी के बिना तो कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। अरे 99 सीट लेके और इनको है हम सर, मोदी हार गया 99 सीट वाला, तीसरी बार 99 और अब की बार और बता देंगे कि तो मोदी जी तो इस देश के लिए भगवान है। कह रहे भगवान का तो हाथ कमजोर कर दिया लोकसभा में। नहीं नहीं वो गठबंधन मिलकर पूरा बहुमत है, पहले से गठबंधन था, न के बाद में होया है, पहले से गठबंधन था, उसके बावजूद भी करे। हरियाणा में हाफ कर दिया था, 5-5 सीटें दे दी थी हरियाणा में। हाफ कोई बात नहीं, हाफ हुई लेकिन अब बता देंगे गलती हुई। हाँ गलती हुई है, पछता रहे हैं लोग। झूठ बैंक आ रही है, झूठ बैंक हम सादे आदमी हैं, यहाँ के आदमी सादे हैं भैया। और वह बैंक आए यहाँ में, हम आप दोनों दूसरों को भी ऐसा ही समझते हैं जैसे हम हैं। ऐसा है बेटा, आरक्षण विरोधी नारा लगा के इस देश का बंटवारा करके, और ये वो आदमी है राहुल गांधी, क्या कहता है जात पर अपात पर मोर लगेगी हाथ पर। अब ये जाति जनगणना कराता है, हम इसके विरोध में हैं। गरीब आदमी, 4 जाति बताई मोदी जी ने, गरीब, किसान और महिला और युवा, ये 4 जातियां हैं। अब मान लो किसी ने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, वैसे कर रहा हूँ, हम रक्षा चलाते हैं, हमको क्या दे रहे हैं? गरीब आदमी कहीं भी हो, मैं ये कह रहा हूँ राहुल गांधी से पूछा जाए भी आरक्षण के बारे में, विदेशों में भी गलत बोलिया, ये सत्ता ही है। जब घर में झगड़ा होता है परिवार के लोग, जैसे मान लें हम दो भाई लड़ते हैं, तो घर का मामला झगड़ा जो है मेरे पास पड़ोस के मेरे परिवार के उसको सुलझा देते हैं, हम जाकर दूसरे के परिवारों में जाकर अपनी बात फैलाते हैं तो उसमें हमारी बेइज्जती है। हमारे देश की कोई समस्या हो तो अपने देश में बोलो, विदेश में बोल कर अपने देश को नीचा क्यों दिखा रहे हैं? इसकी जो बचपना है ना, बचपना है, कह रहा युवा नेता है, तेज तर्रार नेता है, ये युवा का नाम ही गलत है। अब हाँ हमारी जो संस्कृति है ना उसके खिलाफ है ये, हमारी संस्कृति को मानता ही नहीं। अब ये कहता जात पर पात ने, और पार्लियामेंट में एक प्रश्न हो गया, मैं देखो मैं जातिवाद का आदमी तो हूँ नहीं, लेकिन इसने कहा, इससे पूछ लिया किसी ने, नाम तो भूल गया उसका, तेरी जाति क्या है? अनुराग ठाकुर ने पूछा आपकी जाति क्या है, उसका विरोध प्रकट कर दिया। अब भाई ये ऐसे प्रश्न कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है। अब जैसे बुलडोजर था चल रहा था यूपी में, वहाँ ये नहीं मुसलमानों भी चल रहा था, दुबे था पंडित था, उसका भी कर दिया काम, जो भी थे उनका सबका करते हैं। बहन बेटियाँ सुरक्षित है, मोदी जैसा ईमानदार नहीं, सच्चा आदमी, बेईमान नहीं, अपने नहीं, किसी ने 800 किले खरीद लिए, 500 खरीद लिए। अरे सर वो ये कह रहे कि हाथ बदलेगा हालात हरियाणा में, इस बार एकदम परिवर्तन वाला माहौल है राहुल गांधी के। देखो जी अभी इलेक्शन आएगा, हमारी युवा पीढ़ी, हमारे लोग पहले कांग्रेस तो क्या बदलेगी? यूँ बताओ ना क्या बदलेगी? वो पहले इंटरेस्टेड है, 60 साल तक ना बदलेगी, क्या बदलेगी? सर मौका तो दीजिए इस बार। मौका पहले ना था, इंदौर है मौका ही नहीं दौड़ना था, ईद के मौका दे, एक बार टेस्ट करा, बार बार करेंगे फेल तो फेल। अरे भ्रष्टाचारी पार्टी है, क्या कि भ्रष्टाचार क्या है? अरे 10वीं पास बाद में करे सर, कोर्स का सर्टिफिकेट पहना लिया सर, वो नौकरी ला गए, फिर वे कोर्ट में जाकर घर बैठे 10-10 साल नौकरी करके, वे किस जाएं वे नाश कर दिया ना। अब खर्ची प्रतिवारा हाँ, वो क्या की जी परीक्षा देकर ले आकर नौकरी, दो बच्चे हमारे, क्या कहेंगे भाई साहब? कह रहे हैं कि उदास कर दिया। हाँ जी चाचा कह रहे हैं नाश कर दिया बीजेपी, बीजेपी ने देश का सुधार कर दिया। पहले आज से 10 साल पहले याद करो क्या था, हम रात को सोते थे तो हमारे को ये नहीं पता सुबह हम उठेंगे नहीं उठेंगे, अब चैन की नींद सोते हम, वो किसके हो? बीजेपी के राज में। ऐसा कोई त्यौहार नहीं था जिस पे बम विस्फोट नहीं होते थे, ये किसने लगाम लगाई? मोदी ने, क्योंकि कांग्रेस के सभी उग्रवादियों से संबंध है, और वो उग्रवाद को बढ़ावा देती थी, उनको अपने पास बुलाती थी, बिरयानी खिलाती थी, ठीक है। अरे ये बात नंबर 2, अब मोदी जी है,
आप जात की बात कर रहे थे, पहले कांग्रेस का नारा जात पे नापात पे मोर लगेगी हाथ पे, अब ये जातिवादी की बात आ रही है। मोदी जी कहते हैं मैं एक चाय वाला का बेटा हूँ, चाय बेचता हूँ, ठीक है। आप बता सकते हो कि सोनिया गांधी का क्या काम है और वो इतनी वर्ल्ड की सबसे एक नंबर की पैसे में कैसे बन गई, उसका क्या पुसे नहीं जनता था और क्या करती थी, कोई बता सकता है? वो मोदी जी चौड़े सरेआम कहते हैं मैं चाय बेचने वाला हूँ, क्या सोनिया माइनो बता सकती है कि मैं क्या करती हूँ, मेरा क्या धंधा है? नहीं बता सकती। अरे प्रधानमंत्री की वाइफ है और उसके पहले जाति की बात करते हैं पर अपनी जाति बताने से डरते हैं कि हम क्या करते हैं। इनके जो मुखौटा है वो हमने उतारना है, अब जनता समझ चुकी है। ये 8,500 रुपये का खटाखट का नारा दे गए, लोगों को बुलोगे, वोट ले गए, अरब बदल गए। जब बिहार में इलेक्शन था ये क्या बोले कि मोदी जाति मोदी आरक्षण हटाएगा, अब क्या बोल रहे हैं विदेश अमेरिका में जाके कि जी हम हटाएंगे। अब देखे ना हरियाणा में आरक्षण के खिलाफ तो बोले हम आरक्षण हटा देंगे, ये तो जैसी आवाज देखते हैं वैसे बदल जाते हैं। आपको लगता है कि आरक्षण वाला मुद्दा जो है यहाँ हरियाणा में काम करेगा? नहीं, आरक्षण का हरियाणा में कोई चक्कर नहीं है जी, हरियाणा में आरक्षण का कोई ऐसी बात नहीं है, सब शांति प्रिय आदमी हरियाणा में, सब भाईचारे से रहते हैं। कह रहे किसानों के साथ क्या व्यवहार किया, पहलवानों के साथ कितना दुर्व्यवहार किया इस पार्टी ने, ये एक सोची समझी राजनीति चली थी। ये कहते हैं जी किसानों की हमने मदद करी, अगर किसानों को ऊपर उठाना है तो सही मायने में बीजेपी ने उठाया। कांग्रेस के टाइम में 70 सालों में क्या किया इन्होंने, किसान की फसल के दाम आड़ती के पास आते थे, कोई आड़ती भाई बैठा तो नाराज मत हो भाई, आड़ती के पास आते, किसान हमेशा कर्जदार बना रहा, कांग्रेस की नीति थी किसान उड़ ना पावे। अरे मोदी राज में किसान के खाते में पैसे आते हैं, खाते में आड़ती उससे पैसे लेता है और ब्याज देता है, ये है हमारा, किसानों को मान सम्मान देना, किसानों को अन्न देवता बनाना। मोदी तो एक एक आदमी का सम्मान देता है, कांग्रेस 60 साल राज कर गई, 70 साल कांग्रेस ने करा क्या, हर आदमी को मजबूर बनाए रखा, गरीब बनाए रखा ताकि उनको जरूरत के अनुसार अपने उसी ठासाचे में डालते जाए। आदमी अब समझ चुका है, अब इनके बलोखे में नहीं आएगा। लेकिन किसान जो है ना, किसान मजबूर हो गया था, मोदी जो है कहते थे कि दुगनी कर देंगे आए, तिगुनी कर देंगे आए, रोड पे ला दिया, कितने किसान जो है आत्महत्या कर लिए, वो भी तो चर्चा रही, कह रहे हैं कितने को जो है किसान आंदोलन के दौरान, ये सब इनकी प्री प्लान थी, सादे आदमी है बेकायम आ गए, उन्होंने उनकी बात मान ली, बाकी मोदी जो है ना वो स्पष्ट करने वाला काम है, ये कभी किसी को झूठ नहीं बोलता, सच्चाई से काम करता है, सच्चाई से काम चल रहा है मोदी के टाइम में। कह रहे हैं राहुल गांधी की रैली अभी हुई नहीं है, रैली जब होगी तब जलवा देखिएगा। फिर क्या हो जाएगा, मोदी की देखना रैली।